हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो अब अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली 2 बज चुके हैं ऑलरेडी और मैंने डर्माकोल फाउंडेशन की रिव्यू वीडियो शूट की है, जो कि मे बी ऑलरेडी अप होगी, मे बी होने वाली होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो देखते हैं कब अपलोड करती हूँ मैं। और अब मेरे पीछे चप्पल पड़ी है, एक्चुअली मैं कल वो चप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि हम लोग वेकेशन पे जाने वाले हैं और वो थोड़ा पानी के पास जाएंगे। सो इसलिए मैंने थोड़ा अपनी शॉपिंग की थी। मैं सोच रही थी कि मैं शॉपिंग की हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, बट मैंने देन सोचा कि वेकेशन के बाद ही करूँगी, कि फिर मेरे कपड़े पुराने हो जाएंगे। ओके वैसे इतने कोई खास कपड़े खरीदे नहीं मैंने, पर फिर भी थोड़े बहुत जो लिए हैं वो पुराने हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी मेरी तरह सोचते हैं या मैं अब नॉर्मल हूँ? सो बहुत ही फनी बात बताने वाली हूँ मैं, कि कल हम लोग शॉपिंग करने गए थे मॉल में, और वहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि बर्गर खाएं, पर मेरे पति ने कहा कि मेरा बर्गर खाने के लिए मन नहीं है, मेरा बिरयानी खाने के लिए मन है। और मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, या मेरा भी बिरयानी खाने के लिए मन है। तो हम लोग डिनर करने के लिए बिरयानी प्लेस पर गए। सो वहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे कि बहुत दिन हो गए तुमने राजमा नहीं बनाए हैं, राजमा क्यों नहीं बनाया तुमने? मुझे लगा कि ओ माय गॉड रियली, मैंने कहा कि ओ रियली यू नो व्हाट, कि शॉपिंग करने के लिए निकलने से पहले मैं राजमा को भिगो के आई हूँ। सो मैं राजमा बनाने वाली हूँ आज, एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब मेरा बताने का ये है कि बहुत बार होता है जिस दिन मैं व्लॉग करने के मूड में होती हूँ उस दिन मेरे घर में राजमा बन रहे होते हैं। सो हमेशा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं राजमा, हम लोग राजमा इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं। कोइंसिडेंस है कि जब भी व्लॉग बनाती हूँ तब राजमा बन रहे होते हो। सो राजमा बहुत ही समय बाद बनने वाले मेरे घर में, आज मैं राजमा बनाऊंगी डिनर के लिए। और दूसरी बात है कि आई एम नॉट श्योर, मे बी आप लोग रिलेट कर पाएंगे या नहीं। अब बहुत बार होता है कि जो चीज़ मैं ऑलरेडी कर रही हूँ या मेरे मन में चल रही है वो मेरे हस्बैंड बोल देते हैं। लाइक कई बार मेरे मन में कोई सोच होती है कि ओ यार मुझे वो चीज़ करनी थी, ऐसे हो गया, तो मेरे हस्बैंड अगली बात बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो तुमने किया नहीं ना, बाद में कर लेना। वो मेरे दिमाग में होती है वो चीज़ ना, वो उनको पता नहीं कैसे सुन जाती, वो अंदरूनी मेरी बात उनको कैसे सुन जाती, वो अगली बात बोल देते हैं। बहुत बार होता है हमारे साथ ऐसे। तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे क्यों होता है। मैंने बहुत सर्च की गूगल पे कि कुछ मिल जाए मुझे, पर मुझे एक ही चीज़ मिली कि कई जो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर बहुत बार होता है कि आप लोग सोलमेट्स होते हैं। ओके मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। कई बार होता है कि आप लोग सोलमेट्स होते हैं तो दूसरा बंदा दूसरे का माइंड रीड कर लेता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं कि वो रीड कर लेता, ऑन द स्पॉट उसके दिमाग में भी वही बात आ जाती है जो दूसरा बंदा सोचता है, तो फिर वो भी वही बात बोल देता है। और बहुत बार होता है कि मैं कोई सोच रही हूँ वो बोल देता है और मुझे हंसी आ जाती है। वो कह रहे कि क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा कि लिटरली मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी, तुमने क्यों बोला? सर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मैजिशियन हूँ, मैं दिस बुला बुला बहुत अपनी तारीफें करते हैं, पर या ऐसे होता है। तो कई दोस्तों के साथ ऐसा होता है, पति पत्नी के साथ या सिबलिंग्स में ऐसे होता है कि कोई कुछ सोच रहा हो दूसरा बंदा उसी की बात कर देता है। अगर आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताना कि या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। 2:40 हो गए मुझे बातें करते करते, सो समय हो रहा है जल्दी से। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से तड़का लगा दूँ हिम्मत के आने से पहले, ताकि हिम्मत के आने तक फूड रेडी हो जाए। और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुकी एंड चाय पी, उसके बाद मैं वीडियो शूट करने के लिए बिजी हो गई थी। मैं सोच रही हूँ कि मेरे वेकेशन जाने से पहले मैं 2-4 वीडियो शूट कर लूँ ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ, अदरवाइज यू नो बहुत लंबी ब्रेक होने वाली है। सो या ब्रेक नहीं लूँगी मैं, वेकेशन के व्लॉग्स अपडेट करती रहूँगी आपके साथ। सो नो वेकेशन फॉर माय यूट्यूब चैनल। सो या कैरी ऑन करते हैं दिन के साथ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपके साथ, आपको मे बी हिम्मत भी होगा मेरे साथ। बाय द वे मैंने अपने चेहरे पर डर्माकोल फाउंडेशन लगा के रखा है, जो कि दुनिया का सबसे फुल कवरेज फाउंडेशन है, आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो वो मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फिनिश ये सब कुछ इतना अच्छा है, और ये ट्रांसफर भी नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट है, बहुत कुछ है इसमें यार। मैं इसकी रिव्यू वीडियो आज मैंने शूट भी की है, फर्स्ट इंप्रेशन वो मोस्ट प्रॉब्ली आपने देख ली होगी, आई डोंट नो। पर ये फाउंडेशन की फिनिश देखें आप कितनी अच्छी लग रही है, एक ही बार में इतनी नन्नी सी पी से भी छोटे साइज ड्रॉप में मेरा पूरा फेस फुल कवरेज हो गया, अनबिलीवेबल। तो दोस्तों दादा हम लोग पहुंच चुके हैं डैडी के हेयर कट के लिए। डैडी इज वेटिंग फॉर हिज टर्न। डैडी इज हियर गाइस, नाउ से गाइस आई से गाइस वी सैड वी बोथ सैड सैड नो वी बोथ सैड वी गेट हैप्पी वी बोथ सैड बोथ सैड या व्हाई द
अच्छा पहले आप दोनों कहिए कि आप दोनों सैड है, फिर कहिए नहीं वी हैप्पी। आगे गल बनी। ओके आ जा कहिए गाइस, कम गाइस वी आर सैड वी हैप्पी। ओके दोस्तों, तो आजकल हिम्मत बहुत सारी बातें करता है। मैं सोच रही थी कि हिम्मत को रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो कितनी बातें सुनाता है मुझे। जब भी वो आके बातें सुनाता है तब मेरे पास कैमरा नहीं होता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि उसकी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ। और यहाँ पे कैंडी केन्स पड़े हैं, वो उठा उठा के खाई जा रहा है। मिम्मी क्यों इन खाना? इट्स नॉट फॉर यू। और लिखा है टेक वन ओनली, लास्ट वन। पाओ कोई कह रहा है कि हंस बेचा थोड़े बाल बेचारे हस्बैंड को हेयर कट चाहिए इसलिए आ नहीं रहे हस्बैंड ब्लॉग में। हस्बैंड हाउस योर लाइफ गोइंग? I'm so good. You good? Yeah. Everybody's missing you. I'm living life. Living a life? You living a life? Living. Get a life, man, get a life. कितने आ रहा हूँ गाइस, मैंने आपसे एक बात छुपाई है जो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सिंगर हैं। कैन यू सिंग प्लीज गाइस? हम मैं ना राजमा कुक कर रही थी और अब मैं राजमा के जैसी स्मेल कर रही हूँ और इनके यहाँ पे प्लेस पे मैंने करी की स्मेल फैला दी है। आई स्मेल लाइक अ करी। ओके दोस्तों, तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं, हस्बैंड की हेयर कट चल रहा है एंड इस निचले लड़के से बैठा नहीं जा रहा, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। हिम्मत क्यों खोल रहा तू डोर बार बार? तो कोट खानी है? तो शॉपिंग करके आते हैं, हमें बहुत भूख लगी थी। 8 बज गए, यूजुअल हम लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं और हस्बैंड देख रहे हैं बिग बॉस। वो बिग बॉस के इतने फैन नहीं है पर उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, खाना खा रहे वो अभी। या आते मैंने राइस बनाए, राइस अभी कुक नहीं हुआ है, मैंने जल्दी से रोटी बना दी। राजमा रेडी हो चुके थे क्योंकि वो ऑलरेडी भिगोए हुए थे। या बहुत भूख लग रही है हम लोगों को, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। हम लोग हमारी ट्रेवल की नेसेसरी चीज़ें लेके आए हैं और 2-4 ग्रॉसरी के आइटम्स, क्योंकि या हमें कुछ दिन के लिए ग्रॉसरी तो चाहिए अभी। या मैं बना रही हूँ थोड़ा सा खाना, खा पी के मिलती हूँ आपसे और थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ राजमा कैसे बने हैं। आटा लगा मेरे हैंड्स पे, राजमा बहुत बहुत अच्छे बने हैं। राजमा की क्वीन हूँ मैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। ये है अगला दिन। कल हम खाना पीना खा के सो गए थे और मैंने और ज्यादा कुछ नहीं किया और ये 2-4 क्लिप्स हैं कल, तो मैंने सोचा कि आज फिर से थोड़ा सा व्लॉग करते हैं। सो हिम्मत ऑलरेडी स्कूल में है और मैंने 2 यूट्यूब की वीडियो शूट की है जिसमें मैंने किया है ब्राइडल मस्ट हैव मेकअप एसेंशियल्स और मस्ट हैव मेकअप ब्रशेस फॉर फ्लॉलेस मेकअप एप्लीकेशन। और अब मैंने लंच किया है, मैंने राजमा राइस ही खाए हैं जो कल के बचे हुए थे और अब मेरा चाय पीने का समय है। 1:30 बज चुका है ऑलरेडी। मैंने अपनी शूटिंग शुरू की थी 10 बजे और 1:00 पे फिनिश हुआ है। अभी इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया, क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे आप कहते हैं कि सखी सहेली सेशन करें, तो मैंने सोचा आप इससे सजेशन लेती हूँ टॉपिक के बारे में। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आए पर मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी का मैसेज है कि अपने हस्बैंड से कितना एक्सपेक्ट करें, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में हम अपने व्लॉग में डिस्कस करते हैं कि अपने पति से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, चाय पीते पीते डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, मैं जरूर से बताना चाहूंगी कि आपको अपने पति से क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो यार जल्दी से मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो यार चाय बन रही है, हम लोग वेकेशन में जाने वाले हैं अराउंड हफ्ते में और मुझे पैकिंग करनी शुरू करनी है। और इंस्टाग्राम पे मुझे किसी का मैसेज आया कि पैकिंग की वीडियो शेयर करूँ आपके साथ। पैकिंग करने में बहुत ही प्रो हूँ मैं, तो ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग मोर देन हफ्ते के लिए जाने वाले हैं और यार मैं आपके साथ ज़रूर से पैकिंग की वीडियो शूट करूँगी। मुझे पैकिंग करना यार, मुझे यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरी पैकिंग में हर चीज़ हो, दवाइयाँ हो, एवरीथिंग, स्किन केयर, मेकअप, कपड़े, जुतियाँ, एवरीथिंग। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे पैक करती हूँ।
मेरी चाय रेडी हो जाए तो हम लोग बातचीत करते हैं वहाँ पे बैठ के, बात दुखने लग जाती है यार, मैं बुढ़ी हो रही हूँ। ओके, तो बातचीत करते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशन रखें अपने पति परमेश्वर से। सो जो मैं आप बोलने वाली हूँ शायद उसको सुन के आप लोगों को बुरा फील होगा या फिर आप लोगों के ओ माय गॉड ये पागल है, पर ऐसा ही है। सो सबसे पहली बात है, अपने पति से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि वो आपको प्यार करें, आपकी घर में हेल्प करें या फिर आपके बच्चे के साथ प्ले करें, आपने और अपने बच्चे हमारे बच्चे के साथ प्ले करें, अनलेस आप उनको ये चीजें कहने के लिए बता रहे हो। आपका पति भी एक ह्यूमन बींग है, अनलेस जब तक आप उसको बताते नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तब तक एक्सपेक्टेशन रखने का कोई मतलब नहीं है। यू नो, हर एक इंसान डिफरेंट तरीके का होता है। कईयों को बहुत ज्यादा जेस्चर दिखाने का, कंपैशन दिखाने का आदत होती है या उनकी पर्सनैलिटी वैसे होती है, कोई दिखा नहीं पाते हैं पर अंदर से अच्छे होते हैं, लाइक लव करते हैं। सो जब तक आप उनको बताते नहीं है और वो मना नहीं करते तब तक एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। और दूसरी बात है कि अगर आपके पति आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो इट्स ऑल कूल। इसके चलते आप उसको लव करना बंद नहीं कर सकते हैं कि ओ माय गॉड मैं तो इसे बहुत प्यार करती हूँ, बदले में ये मुझे उतना प्यार नहीं करता है। आप उनको प्यार करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर वो आपको रिटर्न में प्यार नहीं करते हैं, आपको फिर भी प्यार ही करना चाहिए क्योंकि आपका जो प्यार है वो उनके एक्शंस के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक पार्टनरशिप है, अनकंडीशनल लव है, जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप वैसे उनको जज नहीं करते हैं, वो अपने आप इनसिक्योर नहीं होंगे, वो जैसे हैं वो आपके सामने वैसे ही रह पाएंगे और उनका ऑथेंटिक सेल्फ देखेंगे आप। अगर आप उनसे हर चीज में एक्सपेक्टेशंस रखते रहें उसमें दुखी सिर्फ आप ही होंगे, उनको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने मन में कौन सी कहानी बना के बैठे हैं। तो जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, आप उनको जज नहीं करते तो वो पूरा कूल अपने आप बन के रह सकते हैं आपके सामने, आप उनको जज नहीं करेंगे, वो जैसे हैं आप उनको वैसे ही प्यार करें, उनको बदलने की कोशिश मत करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि किसी के कहने से कोई बदलता नहीं है, वो वैसा ही रहता है, बस ये है कि आपको वैसे आदत बनानी पड़ेगी जैसे वो है। सो लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आप लोग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं ना कि आपके पति आपके लिए ये करे फलाना धमकाना, तो हम ही दुखी होते हैं, हम ही डिसअपॉइंट होते हैं, आप ही का सेल्फ एस्टीम, आप ही का कॉन्फिडेंस कम होता है। सो जैसी सिचुएशन आपके घर की चल रही है, जैसे भी आपके हालात हैं, जैसी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वैसे ही रहें आप, उनको प्यार करते ही रहें क्योंकि वो आपका नेचर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, उनका नहीं प्यार करना भी आपकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता है। अनकंडीशनल लव, उसमें कंडीशंस नहीं है कि ऐसे होगा तभी मुझे प्यार आएगा। तो आपको प्यार करते रहना है और एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है तो उनको बोल के बता दें कि मुझे तुमसे ये वाली चीज़ें चाहिए, प्लीज़ वो पूरी कर दो। एक्सपेक्ट करके अंदर 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 मत प्लान मत बनाते रहें, उनके साथ कन्वर्सेशन करके बात को ख़त्म करें, निपटाएं। सो यही बताना चाहूँगी मैं। सो एंड ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी है एक्सपेक्ट नथिंग, लव अनकंडीशनली। ओके, चंगा मैं चाह पी लेती हूँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी बहुत ही सत्संगी किस्म की इंसान हूँ मैं। सो मैं चाह पी लेती हूँ अब। बाहर मौसम की जानकारी दे देती हूँ दोस्तों, बाहर अजीब किस्म की ठंड है और नन्नी पिद्दी विद्दी स्नो पड़ रही है। गाइस, हिम्मत हेल्पिंग मामा क्लीनिंग डिशेस, ही सच अ गुड बॉय गाइस, सच अ गुड बॉय। मिमी, हिम्मत लुक, थैंक यू सो मच हिम्मत। मिमी छेतिया, चल बैठ। ओके दोस्तों, तो हो गया है सोने का टाइम। मिमी लेट्स गो इन, चल 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 छेती, गुड नाइट कर दे एवरीबॉडी नो के, बाय, गुड नाइट, two, three, funky.